नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है और वृश्चिक राशि वाले जातकों को कौन सी चार बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का करियर, व्यापारिक जीवन, पारिवारिक स्थिति, वृश्चिक राशि वाले जातकों की शिक्षा की स्थिति किस प्रकार रहेगी, और चूंकि राहु देव आपके राशि के छठे भाव में मौजूद होकर आपके करियर भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को करियर के मामले में कई प्रकार की चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है। तो क्या उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको यह बता दें, यह जो फलादेश होगा वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो फिर आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार जरूर देखें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, 12 जुलाई 2022 को सुबह में 10:28 पर नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 17 जनवरी 2023 तक, यानी अगले 6 माह 5 दिन की समयावधि तक मकर राशि में ही शनिदेव का संचरण रहने वाला है। तो इसका देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और 12 राशि के ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वृश्चिक के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हालांकि शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री भी वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, बुढ़ापा, गरीबी, प्राकृतिक आपदा और सभी प्रकार की नौकरी का कारक शनि को ही माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि का आधिपत्य होता है। जन्म कुंडली पर शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव पर शनिदेव उस भाव को मजबूत कर देते हैं और जहां पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ती है वहां पर शनिदेव नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। शनिदेव की महादशा 7.5 वर्षों की होती है और शनिदेव की ढैया 2.5 साल की होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में केवल शनि का अशुभ प्रभाव ही देखने के लिए मिलता है। यदि जन्म कुंडली पर शनिदेव मजबूत स्थितियों में हो, यानी यदि उच्च के होकर बैठे हुए हों, मूल त्रिकोणस्थ हों या मित्र ग्रहों के साथ शनिदेव मौजूद हों, तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की सफलता शनिदेव देते हैं। शनि बली हो तो जातक उच्च प्रशासनिक पदों पर, बड़े से बड़े पद पर जाने के लिए आसानी से समर्थ होता है। जीवन में हमेशा मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। ऐसे जातक के अंदर सहन शक्ति काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं शनि के बली होने पर जातक कर्मठ और ईमानदार भी होता है। और जन्म कुंडली पर जब भी शनिदेव अशुभ ग्रहों के साथ, यानी सूर्य के साथ, मंगल के साथ मौजूद हों, चंद्रमा के साथ शनिदेव हों या शनि मेष राशि में बैठे हुए हों, शनि की खराब स्थितियां व्यक्ति को कई प्रकार का दुष्प्रभाव जीवन में देती है। शनि पीड़ित हों तो व्यक्ति के नाखून टेढ़े रहते हैं। वायुजनित रोग, यानी पेट से जुड़ा हुआ रोग देखने के लिए मिलता है। पेट दर्द की समस्या बनी रहती है। हाथ पैर और जोड़ों में दर्द बना रहता है। शनि के खराब होने पर दांतों से जुड़ी हुई समस्या मिलती है। वहीं ऐसे जातक को नौकरी में प्रॉब्लम और अधिक मेहनत करने के बावजूद जीवन में परिणाम
कम देखने के लिए मिलता है। तो ये तो रहा शनिदेव का वैदिक ज्योतिष के अनुसार मानव जीवन पर प्रभाव। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव इस समय अवधि में कैसा प्रभाव दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर 12 जुलाई 2022 को आपके राशि से तीसरे भाव में ही होने वाला है। राशि के तीसरे भाव से व्यक्ति के साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों के बारे में, माता के स्वास्थ्य के बारे में, गुप्त शत्रुओं के बारे में, वहीं नाक कान गले की समस्या के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। इस भाव पर शनिदेव मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले जातकों के संतान भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देख रहे हैं, वहीं दशम दृष्टि से आपके राशि के खर्च भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अवधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। पराक्रम भाव में शनिदेव मौजूद होकर करियर की दिशा में आपके अंदर अभूतपूर्व साहस और उत्साह देने वाले हैं, जिससे वृश्चिक राशि के जातक यदि पूर्व के समय से आप अपने कारोबार या काम में तनावग्रस्त महसूस अपने आप को कर रहे थे, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी थी, या वृश्चिक राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का कार्य करते समय बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब शनि के इस प्रभाव से आपके जीवन में किसी कार्य को जब आप करने के लिए जाएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए व्यापारिक बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो लॉयर हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, आयरन, कोयला या पेट्रोलियम से आपका जुड़ाव है, ड्राइवर हैं, किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, या वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो खेती बाड़ी करने का कार्य करते हैं, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, इन सभी चीजों में जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को सकारात्मक प्रभाव करियर के मामले में मिलने वाला है। शनि के इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के अंदर उत्साह और एकाग्रता की वृद्धि रहने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है, और यदि पूर्व के समय से कई बार प्रयास करने के बावजूद आपको शिक्षा में असफलता मिल चुकी है और 12 जुलाई 2022 के उपरांत यदि आप शिक्षण संस्थान में जुड़े रहकर परीक्षा प्रतियोगिता में या किसी प्रकार से क्षेत्रों में यदि आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता जरूर मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके राशि के शिक्षा भाव को ही देख रहे हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आपके लिए समय बेहतर है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि के इस गोचर काल के दौरान आमदनी में इजाफा होने की तो प्रबल संभावना बन रही है, परंतु 12वें भाव पर शनिदेव की जा रही दृष्टियां आपके जीवन में व्यर्थ का खर्च बढ़ा सकती है, और हॉस्पिटलाइज खर्च वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो इसके लिए आपको धन का सोच विचार कर व्यय करना उत्तम रहने वाला है, और वृश्चिक राशि के जातक यदि कहीं पर कर्ज देने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर भी आपको सावधानी रखना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि वृश्चिक राशि के जातक धन का निवेश करते हैं तो आपको यहां पर सावधानी रखना चाहिए। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ आपके संबंध को खराब कर सकता है, इसलिए यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो पारिवारिक जीवन में भी
आपको समन्वय बनाकर जरूर चलना चाहिए और वैवाहिक जीवन के मामले में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी बरतकर चलना चाहिए। किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद पूर्वक स्थितियां यदि आप निर्मित करते हैं तो आपके जीवन में कुटुंबी जनों के साथ वैचारिक मतभेद पूर्वक संभावना देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तो रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के गोचर का प्रभाव। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो संभावना आपके लिए बेहतर जरूर बनेगी। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखना चाहिए, यदि आप किसी प्रकार के कंपनी को यदि आप रन करने का कार्य कर रहे हैं या बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं, लेबर वर्क के साथ या गरीब व्यक्ति के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को किसी प्रकार से संबंध खराब करने से बचना चाहिए या उनके किसी प्रकार के हक को मारने से बचना चाहिए। जीवन में जिस भी कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वहां पर ईमानदारी पूर्वक चलने पर विश्वास जरूर रखें। अब वृश्चिक राशि के जातक, एक हम धार्मिक उपाय की जानकारी दे रहे हैं जिसको आप जरूर करें। ये तीन शनिवार आपको 12 जुलाई के उपरांत करना है। यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और पूर्व के समय से ही आपको नुकसान दे रही है, उससे भी आपको राहत जरूर मिलेगी। शनिवार के दिन शनि की होरा में आपको एक काले कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी काली सरसों अपने शरीर से वार कर उसमें रखना है। एक मुट्ठी पीली सरसों आप ले लें और अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर उस कपड़े में रख दें। फिर आपको एक मुट्ठी काली तिल लेना है, उसको अपने शरीर से वार कर उस कपड़े में रख देना है। उसके पश्चात वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक मुट्ठी साबुत उड़द अपने शरीर से वार कर कपड़े में आपको रखना है और एक खोटा सिक्का भी ठीक इसी तरह वार कर सामने रखें। यदि आपको खोटा सिक्का ना मिल रहा हो तो आप किसी प्रकार का सिक्का लेकर उसको जमीन में रगड़कर खोटा बना लें, उसके पश्चात उसको सामने रखें। पोटली को बांधने के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे आप चले जाएं, पीपल पर टच करते ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार जप करने के उपरांत पीपल के वृक्ष पर टच करके उसको वहीं पर रख देना है और आपको अपने घर चले आना है। हाथ पैर धोने के उपरांत आप घर में प्रवेश करें। यदि तीन शनिवार ये उपाय आप कर देते हैं तो शनि का किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में दुष्प्रभाव बना हुआ है उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ॐ नमः शिवाय।